से निर्मित वस्तु नहीं। पहले से रूबरू है। है? लेकर आते हैं एक स्पोर्टिंग तो. इस दफा कौन है? मेरे बड़े अच्छे मित्र फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर समी प्लेट फ्रॉम दोल एंड्रॉम द हार्ट विजय माई ऑन आर्ट है हाँ अभी आपने जब शुरुआत ही उससे कर दी तो फिर और ये तो प्रेटेंड वाली भी नहीं है ये तो अंदर से निकल रही है <laughs> अच्छा तो लगा बड़ी बड़े दिनों बाद आपको देख के और आपसे बात करने में तो हमेशा मजा आता है तो तैयार हैं विजय पहला सवाल वही है जो मैं शो में अक्सर गैस से पूछता हूँ कि हाउ हैज द कोरोना ट्रीटेड यू मतलब किस तरीके से लॉकडाउन ने आपको ट्रीट किया मुझे लगता है कि मैं इसको खैर सवाल पूछना आपका काम है लेकिन मैं इसको बदल देता हूँ मैं ये कह देता हूं कि दे मैंने करो ना वो कैसे ट्रीट किया अच्छा हां मतलब वेल से ना आई थिंक ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए अगर आप कहें तो हम क्या पूरा पूरी दुनिया तैयार नहीं थी और स्पोर्ट्समैन के हिसाब से आपको एक ही चीज सीखे जिंदगी में कि कोई भी किसी भी तरीके की बॉल सामने से आ जाए आपको तैयार रहना चाहिए उसको खेलने के लिए उसको झेलने के लिए या उसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये काफी एक ऐसा समय था पहली बार आप इतने समय के लिए घर में बंद थे घर में रहना आपके अपने साथ समय व्यतीत करना और उसका कितना महत्व है दुनिया को जानने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना नहीं। नहीं। बहुत सारा टाइम अपने आप स्पेंड किया बीच में बहुत सारा ऐसा समय भी रहा जहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत इरिटेशन जरूर हुई लेकिन उस इरिटेशन ने भी कई ऐसे सवाल पैदा किए जिनका जवाब आप खुद ढूंढने में कामयाब रहे और मुझे लगता है कि किसी भी चीज का जवाब आप जब खुद ढूंढते हैं ना तो फिर आप इधर उधर की तरफ देखते नहीं हैं आप अपने अंदर तरफ देखते हैं। वो इस लॉकडाउन ने किया है और इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजें ये भी सिखाई कि किन की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है और कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आप इसलिए करते हैं कि सारी दुनिया कर रही है वो वो चीज ने भी सिखाई और योगा ने बड़ा साथ दिया अः और अंदर की तरफ देखने के लिए प्रेरित किया दो शब्द है ना पैडी आप शब्दों के जलजान वैसे तो बुनते हैं एक प्रेरित करना और एक विवश होना तो शुरू में शायद विवश विवश हुए थे लेकिन फिर बाद में प्रेरित हुए तो जिस भी सिचुएशन का मजा लेने की बात कहें तो हम काफी कुछ सीखने को मिला इस लॉकडाउन से विजय आपने एक बड़ी अच्छी बात शुरू की और यू अपॉन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इज अगर आप बाहर देखने जाएंगे दिक्कतों को तो बहुत सारी है

उन्होंने मुझे कहा बेटा तेरे से गलती ये होगी कि तूने सात में से सातों में सेंचुरी नहीं बनाई तो जवाब जवाब जो हम बाहर ढूंढते हैं दरअसल है तो हमारे अंदर ही मैं कल कहीं पढ़ रहा था और कमाल की चीज है पढ़ते वक्त कि जब आप जो खेलने की बात कर रहे हैं ना देखिए आपको एक ऐसे खिलाड़ी ने जवाब दिया जो वर्ल्ड चैंपियन है जिन्होंने सब कुछ क्रिकेट में भारत की जहां तक हम बात करें ना क्रिकेट की दशा ही बदल दी और क्रिकेट की दशा नहीं मनोदशा बदल दी वो किया उन्होंने तो उनका जवाब यही होना था लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके साथ कोई ऐसे लोग भी बैठ सकते हैं जो ये कहें कि चार बनाने के बाद भी कि तेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है तो जो मैं जो कल पढ़ने की बात कह रहा हूँ जो मैंने हा, पढ़ा हा, कई हा, बार जब आप अपना सर्कल देखते हैं ना और वो आपका जो आसपास का सर्कल है वो आपको अगर प्रेरित ना करे तो वो फिर सर्कल नहीं है वो केज है वो शिकंजा है तो उससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है तो कपिल द ग्रेट पाजी ने आपको वही करने की कोशिश की कि जवाब हाँ। इस तरीके का वापस जाएं और फिर ये कहें, में के अपने अगली बार अगर साथ होंगे ना तो साथ है ये तो भाई पॉजिटिव हाँ। हुआ या फिर आप नेगेटिव कर लो और घर बैठ जाओ और दुनिया भर को गाली देते रहो फिर कई बड़े लोग ये भी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ना मरने के बाद नहीं है यही भोगते हैं तो 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 uh, for, yeah. for uh, जय ये इसलिए नहीं कह रहे विजय क्योंकि शो पर बैठे हैं और लोग देखने वाले विजय को मैंने आज तक क्रिटिसाइज करते देखा नहीं कभी नहीं देखा मैंने क्या देखा है की ये वो लड़का हम हम उम्र है ये वो लड़का जो बसों में किट बैग लेके जाता था किसी का पाओ बस में बैग पे लग गया तो हमारी लड़ाई भी हो जाती थी थी पे पे कैसे लगा दिया मतलब इतनी शिद्दत से हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तब से लेकर अब तक आजकल के क्रिकेटर्स का जो रवैया है क्रिकेट की तरफ क्या वो जुनून कम है विजय हैज क्रिकेट बिकम ईजी इंडिया कैप आसान मिल हो गई है मिलनी नहीं पर बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें बदल भी गई है ना बदम आज अगर आज भी लोग बस में ट्रैवल करते हैं आज भी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और लड़ते हुए नजर आते हैं मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ अभी भी मजा आता है उन लड़कों को देख के एकदम से याद ताजा हो जाती है जब वहां होते थे लेकिन बहुत सारी चीजें बदल भी गई हैं जिस जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ी है जिस तेजी से ये सारी चीजें बढ़ी हैं और और सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं मुझे लगता है कि जब आप सुविधाओं की तरफ देखते हैं तो ये जो सवाल है आपका बड़ा वाजिब है कि क्या चीजें आसान हो गई है आसान चीजें हुई हैं क्या आपने उनका फायदा उठाया है कि नहीं वो बहुत अहम है आप अकेडमी क्रिकेट की बात करें पहले गिने चुने सेंटर होते थे, थे आपको दो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे जैसे आप फरीदाबाद से बात कर ले अगर कोई गाजियाबाद से आना चाहता था दिल्ली खेलने के लिए तो उसको कितना टाइम खराब होता था लेकिन अब हर जगह पे इस तरीके के सेंटर्स खुल गए हैं कि आप प्रैक्टिस वहां कर सकते हैं मैच खेलने के लिए बाहर निकल सकते हैं उनका आप फायदा किस तरीके से उठाना चाहते हैं या या आपको ये लगता है कि आप चीजें जो आसान होने का आपने जिक्र किया कि फायदा उठाना चाहते हैं या उनकी वैल्यू नहीं करना चाहते हैं दूसरी बात जो आपने इंडिया के आपकी बात करी मुझे लगता है कि विकल्प बहुत ज्यादा खुल गए पदम हमारे टाइम पे अगर हम देखें पच्चीस तो, पच्चीस साल पहले अगर आप देखें तो इंडिया एका एक दौरा होता था और फिर बैठना पड़ता था कब दो तीन साल के बाद शायद लगे अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप अंडर नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप छोड़िए अंडर नाइनटीन क्रिकेट की तरफ इतना नहीं देखा जाता था अब अंडर नाइन अंडर नाइनटीन क्रिकेट की इतनी सारी अगर आप देखें सीरीज होती है वहीं से लड़का स्टार बन जाता है कितने सारे ऐसे लड़के हैं जो सीधा अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी को पास करते हुए इंडियन टीम के विकल्प बन गए हैं आईपीएल ने एक और ऐसी चीज करी है, है। जिन्होंने घर बैठे आपको एक और अः विश्वास दिया है एक और नया सपना दिया है कि देखिए आप सिर्फ कुछ लोगों के शिकंजे में नहीं रह सकते हैं आपका जो दायरा है वो बहुत बड़ा बढ़ गया है जो आंखें आपको देख रही है वो और ज्यादा बढ़ गई है अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो आपके कदरदान होंगे और वो हुआ है तो मुझे लगता नहीं है कि आ, इंडिया का आसान हो गई है हाँ विकल्प बढ़ गए हैं आपने मेरे लिए क्या आसान कर दिया एक छोटा सा ब्रेक लेना आसान कर दिया तो फिलहाल विल जस्ट टेक अ स्मॉल लिटिल ब्रेक व्हेन आई कम बैक आई विल बी टॉकिंग टू विजय अबाउट हिज एसोसिएशन विद कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख के साथ काम करके कैसा लगा फिटनेस फ्री काज भी विजय क्यों है और बहुत सारी बातें थोड़े से ब्रेक के बाद एक अनुरोध अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं, तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है इंडियन विकेट की कोच विजय कोचिंग की जब बात करते हैं क्या खिलाड़ी का टेम्परामेंट अलग होता है कोच का टेम्परामेंट अलग होता है आपको कितनी आसानी हुई खुद को ढालने में क्योंकि कोलकाता तो नाइट राइडर्स की सक्सेस आपने साल में देखी है दो आईपीएल टाइटल्स आपके पास थे रोशनी डाले आ, पता मेरे को लगता है कि कई बार आपका किस तरीके का व्यक्तित्व रहा है उसमें भी थोड़ी मदद जरूर मिलती है देखिए अगर आप कोई फास्ट बॉलर रहे हैं चलिए एग्जांपल देते हैं फिर आप कोचिंग के अंदर जाते हैं तो वो अग्रेशन आपके अंदर जरूर रहेगा भाई हम विकेट कीपर थे पहले हम भरोसे थे गेंदबाज के फिर अगर बल्लेबाज एज बैज मारेगा तो फिर उसको पकड़ने के लिए थे ज्यादातर हमारा काम यही रहता था कि जो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए उनको सफाई करके दिखाएं किसी ने गलत थ्रो फेंका तो उसको ठीक पकड़ लें बाकी सबको साथ लेके चले सबका उत्साह अच्छा बताइए विजय विजय बताइए विजय शाहरुख के साथ क्लोज क्वार्टर में काम करके वो एक्सपीरियंस कैसा था कोई इंसिडेंट आप नरेट करना चाहे प्लीज देखिए सबसे बड़ी सबसे बड़ी एक उपलब्धि ये थी कि आप किसी आईपीएल टीम के साथ जुड़े जब हम जुड़े तो वो टीम इतना बढ़िया नहीं कर रही थी लेकिन एक और चीज थी जब आप के के आर के बारे में बात करते हैं तो फिर शाहरुख साहब को वहां से कैसे अलग कर सकते हैं वो एक एक अलग ही उनका हाँ। उनकी शख्सियत है एक अलग तरीके हाँ। का व्यक्तित्व है और कमाल के आदमी है भाई पहली हाँ। बात है रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल और कहीं पर भी आपको ये महसूस नहीं होने देते वो कि वो शाहरुख है और ये हमें पता है कि वो शाहरुख हैं ये सबसे बड़ी क्लास है ये नहीं है कि आप उनसे कैसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं वो आपसे किस तरीके से बिहेव करते हैं जितने ग्रेट लोग हैं ना मुझे लगता है उनकी वो क्लास होती है मुझे अच्छी तरह याद है पहली मीटिंग उनके साथ तो उन्होंने एक चीज साफ ये कही कि देखो भाई मैं क्रिकेट के बारे में जरूर बात करूंगा मेरी टीम है और क्यों ना करूं लेकिन मैं यहाँ सपोर्ट साहब से सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ मेरी मत सुनना क्योंकि कल को अगर मैं फिल्म बनाऊंगा ना तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा क्लियर इंस्ट्रक्शंस कमाल का इंस्ट्रक्शंस सीधा हा, उन्होंने कहा कि नियुक्त किया है अगर तुम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो तो इसीलिए किया है कि जो क्रिकेट के मामले है उस समय कोच बने थे, उनको ये कहा गया कि आपके साथ जितने लोग हैं उन सबको ये फ्री हैंड है कि आप एक ऐसा माहौल तैयार करें और एक और चीज वो हमेशा कहते हैं अभी भी अगर आप देखें इस हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप खेलते किस तरीके से और यही जो चीज थी वो बदलाव हुआ वहां पर धीरे धीरे जो खेलने का तरीका था वो बदला गया और उस खेलने के तरीके से अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो प्रोसेस और आउटकम वाली बात होती है ना वो हुआ और, और कुछ जो वहां पर जो दो खिताब जीते गए वो उसी का था कि एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था जिसमें हर आदमी अपना बहस देने के लिए तैयार था और सुरक्षित महसूस करता था आपको भी ये पता है बखूबी आप वहां पर सबसे अच्छा कर सकते हैं उस एनवायरमेंट में जहां पर आपको विश्वास हो हमेशा कहते हैं द ग्रास इज ग्रीन वेटर इट मैंने आपको उस घास को रोज पानी देते देखा आई एम टॉकिंग अबाउट द फिटनेस लेवल विजय आप आपने अभी बात की कि योर ब्रेन नीड्स टू बी द ब्रेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन और लोग इस बात को आजकल समझते नहीं है पीपल थिंक व्हेन यू एक्सरसाइज इट इज मेयरली फॉर योर फिजिकल फिटनेस नो योर ब्रेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी तो मैंने आप मेरे को इंसिडेंट एक बताऊंगा एक बार हम रणजी ट्रॉफी कॉमेंट के हम शाम को होटल में गए तो मैं कमरे में चला गया मैंने कहा विजय है, तीन घंटे से आप वॉक करके आए <laughs> कहा तुम निकल गए थे मुंबई थ्रो सम लाइट एंड टेल द यंगस्टर्स एंड एवरी वन वॉचिंग द शो टूडे हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू की कई बार क्या होता है ना आप बैठकर आप लेटे हुए हैं आप सोच रहे हैं क्योंकि सारे स्पोर्ट्समैन विजुअलाइज बहुत करते हैं आप उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ उस करने के लिए सोच के साथ आपको अपना शरीर भी चाहिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आम मेंटली वेरी स्ट्रांग मेंटल स्ट्रेंथ इज एप्सोल्यूटली रिलेटेड विद योर फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल आप अपने दिमाग से तो ये कह सकते हैं कि मैं यहां से वहां तक तेज भाग जाऊंगा लेकिन क्या आपका शरीर आपका साथ देगा और वही काम अगर आप शारीरिक रूप से लगातार करते हो फिर आपका दिमाग दोनों की बहुत अच्छी साझेदारी है तो वो काम आप बखूबी कर सकते हैं देखिए क्या होता है आप एग्जाम्पल जब देने की बात करते हैं तो आप हमेशा टॉप जो होता है उसका एग्जाम्पल देते हैं पिछले कुछ समय में आप देखें तो विराट कोहली ने जिस तरीके से दोनों चीजों का मिश्रण किया है और एक एक एग्जाम्पल सबके लिए छोड़ा है जो आप भारतीय टीम में एक नया ट्रेंड है और अच्छी चीज क्या है ना जब टॉप पे होता है ना तो सबसे पहले उसको घर के बच्चे देखते हैं जैसे फील्डिंग का स्तर है आप देखिए पिछले कुछ सालों में कैसा बदला है क्योंकि सबने देखा है कि ग्राउंड ग्राउंड में आप अच्छे हो किए हैं डाइव करते हैं तो बच्चे में अंडर 10, अंडर 12, वो भी डाइव मारना शुरू कर गए वही विराट कोहली का इम्पैक्ट रहा है कि किस तरीके से फिटनेस पे ध्यान दिया गया और वो मेंटली भी उतना ही स्ट्रॉग है तो ये चीज बहुत ज्यादा अहम है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए कि इन दोनों चीजों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है जहां तक आपने मेरी बात की मुझे ये लगता है कि कई बार जब आप किसी को कोई चीज कह रहे होते हैं ना अगर उसके साथ थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ कह सके और थोड़ा सा उसको करके कह सके तो थोड़ा और ज्यादा असर पड़ता है और अब खेलने का उतना ज्यादा मन करता नहीं है लेकिन घर पे रहा भी नहीं जाता है तो दौड़ने की एक चीज शुरू करी थी दो जनवरी दो से पदम मैंने दौड़ना शुरू किया था ये कह के कि मैं साल के पहले सौ दिन दौड़ूंगा आ, अब तक मैं रुका नहीं हूँ नौ सौ दिन हो गए हैं मैं रोज भागता हूँ और कोशिश यही करूंगा जब तक ये चल, चल चलती रहे तो तो हाँ मुझे गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो ये चमन सारा खिल जाए तेरी मैं कैसी हो सबसे जुदा सबसे अलग तेरी पहचान हो आपने बात की मेंटल हेल्थ की आपने बात की मेंटली स्ट्रांग होने की आपने बात की विराट कोहली की एक इंसिडेंट मुझे याद आता है विराट कोहली ओवरनाइट अनबीटन थे उनके पिताजी का निधन हो गया था आप उस समय टीम के साथ जुड़े हुए थे विजय वो खिलाड़ी आता है और अगले दिन बल्लेबाजी करता है टीम के का वो उतावलापन बेहतर होने का कई बार क्या होता है तो कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरीके से आप अपने जीवन में डालते हैं ये भी बहुत है वो वो चंचलपन वो उतावलापन मुझे लगता है कि एक समय जो डिसीजन होता होता है 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 ना वो है। वो, है वो, है। ले तो वो वो आप आप ही को लेना कब आपको पता और जब उस दिन के बाद उन्होंने पूछे मुड़के नहीं देखा है हम उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि हम ज्यादातर सक्सेसफुल चीजों के एग्जाम्पल देना पसंद करते हैं आगे आपके फैंस

मेरा जो ड्रीम जॉब है वो ये है कि आ, किसी ऐसी चीज के साथ जुड़ा जाए जहां पर आपके पास सबसे छोटा एज ग्रुप हो उन बच्चों के साथ काम किया जाए क्योंकि मुझे ये लगता है जितना भी मैंने पढ़ा है जितना भी मैंने देखा है कि जो अगर अच्छे कोचेज हैं वो बिल्कुल ग्रास रूट पे काम करेंगे ना तो ऊपर का जो काम है वो आसान हो जाता है क्योंकि कोचिंग नीचे ही होती है जितना आप ऊपर जाते जाते हैं वहां पे सिर्फ मैन मैनेजमेंट होती है तो कहीं ना कहीं दिल में एक इस चीज की चाह है कि किस जूनियर स्तर पे काम किया जाए लेकिन एक लंबे समय के लिए काम किया जाए जहां पर आपको असर पैदा करने में कामयाब हो विजय बहुत बहुत सब लोग एक बात मानते हैं कि विजय दहिया ने 18 वनडे इंटरनेशनल खेले भारत के लिए मगर उस खिलाड़ी में क्षमता कहीं कुछ और ज्यादा थी वेन यू लुक बैक एंड हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट डू यू फील सैटिस्फाइड डू यू थिंक दैट यार कितना और मिल सकता था so मैं पीछे more. मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं मैं इतने ग्रेटिट्यूड के साथ देखता हूँ मैं आंखें नम हो जाती है सोच के कि इतना मिला मैं शुक्र गुजार हूँ जितना मुझे उसका मिला और हर 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 दिन हर पल जब भी मैं उस करियर के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शुक्र गुजार हूँ मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे उस टाइम पे पता जो खेल रहे थे ये हो जाता है कि इसको किस टाइम मौका मिल जाता है मैंने कोई डेब्यू बहुत यंग उम्र में नहीं किया था मुझे डेब्यू सत्ताइस साल की उम्र में मिला था और मुझे ये भी पता था कि अः मेरे ऊपर औरों के मुकाबले ज्यादा दबाव होगा क्योंकि जब कई बार किसी यंगस्टर को मौका मिलता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस लिहाज से जब वापस मुड़ के देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास और खुशी मिलती है और उसकी वजह से ही बाकी सारी चीजें हैं जो आज मेरे हाथ में है और जिनको मैं आगे के लिए बेहतर कर सकता हूँ तो पीछे मुड़ के देखने के लिए जो सफर रहा है लाजवाब रहा है और ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया है उसके लिए जी और आपके पास एक और बेहतरीन चीज होती है जो खिलाड़ी जब खेलता है तो हमेशा एक चीज की दुआ करता नौकरी मुझे ना नौकरी मिल जाए आपको एयर इंडिया एयर इंडिया से याद आया महेंद्र सिंह धोनी आप दोनों ने साथ में कुछ वक्त खेला साथ में समय बिताया बताइए कुछ यादगार लम्हे धोनी के साथ थोड़े दिन पहले मैं उसको, कर उसको चेंज करूंगा एयर इंडिया नहीं इंडियन एयरलाइंस उस टाइम इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी अब एयर इंडिया जिंदगी बनाई इंडियन एयरलाइंस ने बहुत सारे खिलाड़ियों की चाहे वो क्रिकेट के हो चाहे वो हॉकी और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी का आपने जिक्र किया उन्होंने भी वहां पर हमें ज्वाइन किया बिकॉज इतना ज्यादा क्रिकेट खेलते थे देखिए एक अलग ही व्यक्तित्व है उनका एक अलग ही तरीके की कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना कि आप उनके खेल के बारे में बात करते हैं खिलाड़ी है भाई खेल के बारे में तो बात करेंगे लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी का इम्पैक्ट है ना वो एक अलग तरीके का है वो वो छाप जो है वो आपके जहन से निकल नहीं सकती अच्छा खिलाड़ी पता है क्या है वो है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कोई और खेल रहा हो और आप घर बैठे ये कह रहे हो धोनी होता ना तो ये कर देता आ, आ, ये किया है महेंद्र सिंह धोनी ने आ, 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 आपके दिलो दिमाग के साथ उन्होंने इस तरीके की एक छाप छोड़ी है और एक और चीज बताने की कोशिश उन्होंने की है कि कि आप ठंडे रहकर भी ना गर्म काम कर सकते हैं सबसे ऊपर पहुंचकर वर्ल्ड कप के फाइनल जिताना या कोई भी चीज करना भारतीय भारत की टीम को हैंडल करना और वर्ल्ड इलेवन की टीम को हैंडल करना से ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर जिस जहां सर आप आते हैं जिन सर्कम से आप आते हैं तो लाजवाब तो व्यक्तित्व उनका है और उसको हमेशा मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं देखिए आप खुद जानते हैं कि कोई जब आप रोल प्ले कर रहे होते हैं ना तो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं तो उन्होंने रोल नहीं प्ले किया इसलिए कहीं गलती करी नहीं हमेशा हाँ। वही ही कया जो वो है हाँ। तो इसीलिए हाँ। खास है एक बार एक इंसिडेंट मैं आपको दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा धोनी एक बार जब बिहार की टीम बिहार हुआ करता था बिहार की टीम में आए थे तो सवेरे योगा सेशन लगा तो योगा टीचर आए सबको पेन पेपर दे दिया कि अपना अपना फेवरेट चीज लिखो आप क्या करना चाहते हो किसी ने लिखा मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ किसी ने लिखा मैं बिहार की कप्तानी करना चाहता हूँ सबने अलग अलग लिखा महेंद्र सिंह धोनी का सबसे अलग था उन्होंने लिखा मैं भारत के लिए मैचेस जीतना चाहता हूँ I want to win matches for the country. So when you लेकिन आपकी सोच ये आप सोचते हैं ना तो जो भी मौका आपको मिलता है ना जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था की बहुत आंखें हैं जो लोगों को देख रही है बहुत सारे आपके ऐसे कदरदान होते हैं जो आपको जानते भी नहीं है लेकिन आपके लिए वो वर्ड uh, जो वर्ड है वो हर जगह फैलाते हैं तो वही मुझे लगता है और इसीलिए आपने जैसे जिक्र किया ना महेंद्र सिंह धोनी की ये सोच वो शुरू से इस तरीके की थी पता नहीं चला बीस पच्चीस मिनट बीत गया तुमसे बात करके एंड इज प्लेजर ऑफ ऑलवेज टॉकिंग टू वट विल बी योर मैसेज टू we are लिविंग इन विजय नेक्स्ट 30 seconds यू एंड योर कैमरा योर मैसेज विजय आई थिंक uh, uh, सबसे जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आप चाहते क्या हैं आप अपने आप से क्या चाहते हैं और जो भी आप करना चाहते हो ना उसमें संपूर्ण तरीके से अपने आप को डालिए फुल 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 फोकस कमिटमेंट चाहे वो कोई भी काम हो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो काम आप खुद करना चाहते हैं वो आप मजे से करते हैं और जो भी काम आप मजे और खुशी से करते हैं ना उसमें सफलता जरूर मिलती है तो आप बी ट्रू टू तो योर सेल्फ और आप जो भी करना चाहें ना कंप्लीटली कमिटेड होके करें